राग आसावरी। राग आसावरी की उत्पत्ति आसावरी थाट से ही हुई है, अतः इस राग को आसावरी थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद अर्थात गा, धा और नी, ये तीनों स्वर कोमल और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में गंधार और निषाद अर्थात गा और नी दोनों स्वर वर्जित हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर धैवत यानी धा है और संवादी स्वर गंधार यानी गा है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग आसावरी के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सारे मापा अब सुनिए अवरोह। सानिधपागरेसा और अब पकड़ रे मा पा निध पा। अब प्रस्तुत है राग आसावरी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग आसावरी की स्वर मालिका की स्थाई। रे मा पा नी धा रा पा पा मा पा धा पा गा रे सा। रे मा पा नी धा रा पा पा मा पा धा पा गा रे सा धा पा मा पा धा सा रे मा पा रा गे सा धा पा मा पा रा सा रे मा पा रा गे सा। रे मा पा नी धा रा पा पा मा पा रा पा गे सा रे मा पा नी धा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मा पा धा सा रे सा धा सा गा रे सा धा पा मा पा धा सा रे सा धा सा गा रे सा धा पा पा गा रे सा रे सा धा पा मा पा धा पा अभी आपने राग
आसावरी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं मधुर मधुर सब वाणी बोलो। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। मधुर मधुर सब वाणी बोलो, मधुर मधुर सब वाणी बोलो, कानों में सब रस को घोलो, कानों में सब रस को घोलो, मधुर मधुर सब वाणी बोलो, मधुर मधुर। अब प्रस्तुत है इसी रचना का अंतरा। मीठी वाणी अभी आपने राग आसावरी की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरस, राग रस बरस।